हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। आज हम इस वीडियो में आपको भाद्रपद माह की कजरी तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसकी पूजा विधि क्या है और साथ ही इस व्रत से जुड़े नियमों के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साल भर में आने वाले सभी तीज व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें से हरियाली तीज, हरतालिका तीज की तरह ही कजरी तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत व निर्जल उपवास रखती हैं। यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे कजरी तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। कजरी तीज व्रत की तिथि होगी 6 अगस्त गुरुवार को। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 अगस्त को रात 10:52 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 7 अगस्त को रात 12:16 पर। अब बात करते हैं कजरी तीज के महत्व के बारे में। हरियाली तीज, हरतालिका तीज के जैसे ही कजरी तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए अहम होती है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जल उपवास करती हैं। कहते हैं कि इसी दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या के द्वारा प्राप्त किया था, इसलिए इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने का भी विधान है। यह व्रत यदि कुमारी कन्याओं द्वारा रखा जाए तो उन्हें भी योग्य वर की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कजरी तीज की पूजा विधि के बारे में। कजरी तीज के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करें और निर्जल उपवास का संकल्प लें। इस दिन शिव पार्वती और निमड़ी माता की पूजा की जाती है। मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे तालाब की आकृति बनाकर उसके पास नीम की टहनी रोप लें। अब निमड़ी माता को जल, रोली, चावल, मौली, काजल और वस्त्र अर्पित कर मेहंदी और रोली लगाएं। इसके बाद फल और दक्षिणा चढ़ाएं और पूजा स्थल पर कलश की स्थापना कर घी का बड़ा दीपक जलाएं। पूजा में माँ पार्वती और भगवान शिव का ध्यान कर उनके मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती कर लें। पूजा में इस्तेमाल की हुई सुहाग की वस्तुएं किसी अन्य सुहागन महिला को दान कर उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब बात करते हैं कजरी तीज के नियमों के बारे में। कजरी तीज व्रत निर्जल रहकर किया जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं फलाहार कर सकती हैं। कजरी तीज पर निमड़ी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। निमड़ी माता को पूजा में श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। कजरी तीज व्रत में भी करवा चौथ की ही तरह चंद्रमा को अर्घ जरूर दें और अगर चंद्रमा उदय न हो तो रात्रि में 11 बजे के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जा सकता है। व्रत के अगले दिन गाय की पूजा कर रोटी में गुड़ और चना रखकर उसे खिलाकर व्रत खोलना चाहिए। पूजा के बाद विवाहित महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री उपहार के रूप में जरूर देनी चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा को अर्घ देने की सही विधि के बारे में। कजरी तीज पर सायंकाल पूजा के बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा है। अर्घ देने से पहले चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, अक्षत, मौली चढ़ाकर भोग अर्पित करें। अब चांदी की अंगूठी और गेहूं के कुछ दाने हाथ में लेकर चंद्रमा को जल का अर्घ दें। अर्घ देने के बाद उसी स्थल पर चंद्रमा की परिक्रमा करें और उनसे सुखी जीवन की कामना करें।